हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आपके लिए हर रोज कोई ना कोई इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहा। दोस्तों आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही कंटेंट लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वीडियो के एमबी साइज को रिड्यूस किया जा सकता है बिना वीडियो क्वालिटी इंप्रूव किए हुए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसा वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों सिंपली आपने देखा होगा कि जब कोई हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं अपने फोन के कैमरे से, तो मोस्टली क्या होता है कि जो उसका जो साइज होता है, एमबी साइज होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब उस वीडियो को हम जब यूट्यूब पे शेयर करते हैं या कहीं भी शेयर करते हैं, तो ज्यादा एमबी साइज होने में तो उस वीडियो को शेयर होने में काफी टाइम लग जाता है, जिससे क्या होता है हम अपने फोन को कहीं इधर ले जाएंगे कहीं उधर ले जाएंगे, यानी नेटवर्क एरिया में रखने की कोशिश करते हैं कि फास्ट इंटरनेट मिले और वो वीडियो जल्दी सेंड हो जाए। तो लेकिन दोस्तों मैं ऐसे आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक क्या दोस्तों, मैं बात कर सकता हूँ एक एप्लीकेशन के बारे में। मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसका आप यूज करके अपने वीडियो के एमबी साइज को रिड्यूस कर सकते हैं बिना वीडियो क्वालिटी इंप्रूव किए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले चलना पड़ेगा हमें फोन की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों आगे अपनी फोन की स्क्रीन पर अब हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर पे। हमने प्ले स्टोर को ओपन किया है। अब प्ले स्टोर में आपको सर्च करना पड़ेगा वीडियो कंप्रेसर। तो यहाँ पे हमने सर्च किया कि वीडियो कंप्रेसर ऐप, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। तो आपको सिंपली जाना है यहाँ पे, जो स्काई ब्लू दिख रहा है इसको छोड़ देना है, और ये सेकंड नंबर इसको छोड़ देना है, और ये थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा है जो ग्रीन, तो आपको ग्रीन इस पर क्लिक करना है। तो ग्रीन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना होगा। अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड पहले से है तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से, तो ये मेरे पास देख सकते हैं आप लोग, दो ऑप्शन आए हैं, कंप्रेस वीडियो और कंप्रेस फोटो। तो हम लोग कंप्रेस वीडियो पे क्लिक करते हैं। यहाँ से कोई वीडियो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने एक वीडियो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। आप देखो कई सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो सिंपली आपको करना है कि सिर्फ कंप्रेस वीडियो पे ही टैप करना है। तो यहाँ पे हमने टैप कर लिया। तो देखो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, तीन क्वालिटी मिलेंगी, जैसे कि हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी एंड कस्टम। तो आपको सिंपली जाना है कस्टम पे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग ऊपर देख सकते हैं रिजोल्यूशन दिख रहा है और बिट दिख रहा है। तो यहाँ पे बिट रेट की तरफ हम लोग क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। अपने एमबी साइज के अकॉर्डिंग आप लोग इसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये परसेंटेज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ परसेंटेज भी दिख रहा होगा। तो बिट रेट को आप लोग रिड्यूस करेंगे, हम इसे 30 कर देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग अभी देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ था वो 165.9 MB था, अभी आप लोग देख सकते हैं इसका साइज रिड्यूस हो करके 49 MB हो गया है। तो दोस्तों सिंपली हम लोग इसको कंप्रेस कर देंगे यहाँ से। तो देख सकते हैं आप लोग वीडियो कंप्रेस हो गया है, और देखो इसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हुई है, सेम क्वालिटी है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, देखिए कितनी रियल क्वालिटी यहाँ पे दिख रही है। तो दोस्तों अब आप लोग अच्छे से समझ गए हों कि कैसे अपने वीडियो की जो क्वालिटी है उसको सेम रख के उसका एमबी साइज रिड्यूस किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करता है ताकि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमेशा रहूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।